अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जी ये ज़ारा की हाला ने इसके लिए कपड़े वगैरह कुछ भेजे हैं, तो ज़ारा अभी किसी को खोलने नहीं दे रही, खुद कहती खोलूँगी। हमने सोचा है जी ठीक है, हम भी देखते हैं क्या निकलता है इसमें से, कैसे खोलेंगी, खोलें अनबॉक्सिंग करते हैं जी कपड़ों की। अच्छा जी ये क्या आ गया, सॉक्स। चलें इनको साइड पे रखते हैं, बाकी दिखाएं। ये शर्ट वाजी वाह पर्पल, और ये जी टाइट्स ब्लैक कलर है, और एक ये ज़ारा खुद ही दिखा रही है, एक ये शर्ट है वाजी, ये सर्दियों के लिए हैं जी, सर्दियों का स्टाफ है मोटे, एक ये है और क्या टाइट्स हैं कितनी, एक ये वाली चलें जी, सही हो गया जी, सही हो गया। ज़ारा आप हैप्पी हो, ज़ारा आप हैप्पी हो, आपके कपड़े आए हैं, वाह माशाल्लाह। क्या हाल है जी आपका, ठीक है जी। अभी हमारा जी टाइम हो गया ये खाने का, छली हम लेके आए थे तो इसको बॉयल किया और इस पर मीनू नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से एक शॉप से मिले हैं, तो बच्चों की डिमांड थी कि हमने खानी है तो फिर मैं लेके आई हूँ। और जी निमको आपके सामने ही लेके आए थे, ये जी निमको है, तो इसको हमने खा खा के इतना कर लिया, बेशक बीपी हमारा आई रही लेकिन चस्के ऐसी जाने, तो तुम भी छलियाँ खाओ जी, यह मौसम है अभी तो है मिल रही, तो आप भी खाइए। और ये टाइम है तकरीबन जी 10 का, और इस टाइम हम नाश्ता बहुत जल्दी कर लेते हैं, और फिर इस टाइम पे चलें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये चीज़ें चल जाती हैं, ऐसे ही है जी कुछ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जी हम बनाएंगे साग, सरसों का साग बनेगा, ये हमने मंडी से खरीदा है क्योंकि आजकल साग आ ही गया तकरीबन, तो हमने सोचा कि गर्मियों वाली सब्जियां भी खा खा के तंग पड़ गई है, तो ये भी साग खाते हैं, तो ये अभी मैं काट रही हूँ, तो फिर इसकी सारी रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसको काट लें जी, गंदला सरसों का और पालक दोनों मिक्स, पालक कम है और ये सरसों का साग ज़्यादा। अभी जी ये हमने साग को काट के तो रख लिया है, और ये है जी मेथी ये वाली, अभी धोए है इसको, वाश किया है तो ये थोड़ा सा ना अभी गीली है, और ये सोए ये वाले सोए ये वाला साग है गंदलों का सरसों का, और वो पालक है, ये वाली चीज़ें हमने अभी काट के रखी हैं, इनसे पानी खुशक हो जाएगा, तो फिर हम इसको ना पानी बॉयल करेंगे चूल्हे में, तो फिर ये उसमें डाल लेंगे इंशाल्लाह जी। जितनी देर में जी आपका साग खुश्क होगा ना पानी उसमें से, तो गीले साग को नहीं डालना हमने, नहीं रखना चूल्हे पे, इसलिए कि वो असी पंजाबी चाहने कि जिरड़ जाता है, वो फिर जिरड़ जाएगा, इसलिए जी वो होगा पानी गर्म और इसमें से पानी खुश्क होगा तो हम फिर उसमें साग डालेंगे। और उतनी देर में जी आपने ऐसे एक एप्पल रख के तो वो खा लेने, क्योंकि एनर्जी होगी तो आप साग पका सकोगे, साग बड़ा मुश्किल है जी कम पकाना। ये जी हमने पानी रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, और ये नीम गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें साग ऐड करेंगे, क्योंकि कुकर में हम बनाएंगे इसलिए कि सिलेंडर बड़े महंगे ने जी, तो फिर मैं अभी डालती हूँ इसमें साग, आपको दिखाते हैं।
अभी ये जा रही है गंदले इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह साडा साग अच्छा बने, साग के हम शौकीन हैं जी, इसलिए कि सभी गांव वाले होते हैं जो जिनका तल्लक किसी गांव से है ना, वो साग खाते हैं। बच्चे हमारे भी नहीं खाते लेकिन हम बड़े खाते हैं। अभी इसमें सोए ऐड कर देंगे, और ये मेथी ऐड कर देंगे। मेथी खा दिया और जी फनी है ना। और अभी ये मैं इसमें पालक ऐड करने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी जब इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे, इसलिए कि बॉयल आके तो बाहर गिरे ना। तो ये मैं पालक ऐड कर रही हूँ, जब इसको बॉयल आएगा ना तो फिर ये नीचे चला जाएगा सारा, फिर ये इतना फुल नहीं होगा जितना आपको नज़र आ रहा है। अभी जी ये मैंने नमक पास रख लिया और मिर्च, दड़ा मिर्च, और ये दूसरी मिर्च है जी, ये रेड चिल्ली जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, हल्दी भी, लेकिन ये अभी सारी नहीं जाएंगी। अभी थोड़ी सी हम सूर्ख मिर्च और नमक ऐड करेंगे इसमें जी साग में। और दिखाना मैं ये चाह रही थी कि हमारे डब्बे देखें जी, इतने इतने बड़े, और ये नमक वाला, मिर्चों वाला, और भरे हुए हमने खा लिए, अब ये खाली हो रहे। अभी जी ये नमक जा रहा है, बस जी आधी चम्मच आपने डाल ली। हमने जी साग को बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं बनाना, क्योंकि अगर फैंसी तरीके से बनाएंगे ना तो साग का अपना जायका चला जाता है। ये थोड़ी सी मिर्चें हमने डाली हैं इसलिए कि ये बॉयल आके तो ऊपर ऐसे गिरे नहीं। अभी हम इसका वेट बंद कर देंगे और आपको दिखाते हैं। अभी जी ये साग हमारा गल गया और हमने इसको जी कढ़ाई में निकाल लिया, और थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था, और अभी फिर नमक कर रहे हैं ऐड अपने ये, और ये दड़ा मिर्च ये हमने जी 1.5 चम्मच डाल लिए, और अभी हमने ये लून मिर्चा वाला सोटा लेके के दुआ ले उठाने, और इसको हमने अच्छी तरह से ना कूट लिया क्योंकि इसकी ये नज़र ना आए कुछ भी इसमें ऐसे कर। अभी जी ये हमारा साग ये हमने कूट लिया जितना इसको हमने कूटना था, और इसमें ऐड कर लिए हैं स्पाइसेस भी जो मामूली, बस नमक मिर्ची था। अगर इसमें ज़्यादा करें तो साग का अपना जायका नहीं रहता। और अभी हम लगाएंगे इसको तड़का, ये तड़का है जी। अभी हमने इसमें घी और डाला है जी, इसमें हमने लहसुन दोनों चीज़ें डाली, तो ये रेडी होगा। अभी जी ये और क्या हमारा, ये हमने अभी साग में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन ये दो चीज़ें डाल के तो हमने तड़का लगाना है जी। तड़का बहुत ही ज़रूरी है जी। ये जी हमने बाउल में डाल लिया इसको, और ऊपर से हमने तड़का लगा दिया। बहुत नाइसली कुक हुआ है, आप भी हमारे तरीके से बनाइए और खाइए जी। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामुअलैकुम।